दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी एवं भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य जी समेत तमाम ओबीसी वर्ग के नेताओं के सहयोग से सवर्ण परस्त भाजपा ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर फिर डाका डाला है। जी हां दोस्तों, यह मामला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के सत्र 2022-23 पीएचडी प्रवेश का है, जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विशेष दर्जे का हवाला देकर ओबीसी वर्ग को मिले संवैधानिक आरक्षण कोटे को आज तक लागू नहीं किया है, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है, उस 10% सवर्ण आरक्षण को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सवर्ण परस्त भाजपा के दबाव में लागू करके पीएचडी एडमिशन में ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित कर दी है। दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय का विशेष दर्जा मिला हुआ है, अर्थात एससी एसटी वर्ग के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। यही बहाना बताकर विश्वविद्यालय प्रशासन ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया तो 10% ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण किस आधार पर लागू कर दिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा? यदि 50% अनारक्षित सीटों पर पीएचडी एडमिशन में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्णों के लिए सवर्ण परस्त भाजपा के दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन ने लागू किया है तो ओबीसी वर्ग को भी 50% अनारक्षित सीटों पर पीएचडी एडमिशन में 27% आरक्षण विश्वविद्यालय प्रशासन लागू करे और पीएचडी एडमिशन में ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए भी सीटें आरक्षित करे। जो भी जागरूक साथी हैं और शिक्षा के महत्व को समझते हैं उन्हें पता होगा कि पीएचडी की एक एक सीटों का क्या महत्व है, लेकिन हमारे ओबीसी वर्ग के तमाम स्वार्थी नेता जो भाजपा से गठबंधन करके विधायक सांसद मंत्री बने बैठे हैं, अपने समाज का ज्यादातर वोट भाजपा को दिलाकर वह ओबीसी के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। इसलिए ओबीसी वर्ग के लोगों ऐसे स्वार्थी और गुलाम मानसिकता के नेताओं के नाम पर सवर्ण परस्त भाजपा को वोट देना बंद करिए, अन्यथा इसी तरह ये स्वार्थी नेता भाजपा के साथ मिलकर आपके बच्चों का भविष्य चौपट और हक अधिकार खत्म करवाते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। दोस्तों यदि वंचित समाज की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाजपा के दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए जा रहे ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव का मुद्दा पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।